27वां संस्करण है, 26 इसके पहले हो चुके हैं। 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी टाउन हॉल से। हम लोगों के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि जब हम नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं तो हम पिछले साल से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ नया ले करके आएँ। इस साल भी हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों ने मैं पॉइंट वाइज आपको करूँगा, हम लोगों ने लगभग 100 स्टॉल जो है वो आउट ऑफ 350 विमेन के लिए आरक्षित किया हुआ था, उनको दिया है। एक पूरा हैंगर हमने उनको डेडिकेट किया है और वो हैंगर जो है सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए है, उसमें उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। एक हमारा स्टार्टअप जोन है, जो नए स्टार्टअप्स हैं रांची के, उनको प्रमोट करने के लिए कोई छोटे उद्यमी है जो बहुत पैसा नहीं लगा सकते लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक लॉन्चिंग पैड के रूप में हमने स्टार्टअप जोन एक दिया हुआ है, जहाँ पर हमारे करीब 20-25 स्टॉल्स हैं और उसमें कुछ प्लांट्स वाले हैं, कुछ फर्नीचर वाले हैं, किसी का कोई नया आइडिया है वो लोग उसके अंदर में आ रहे हैं। तो जब हम लोग लोकल से बढ़ेंगे तो हमारे पास ऑल ओवर ऑफ इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के स्टॉल्स, अलग अलग जगह से, किसी का कोई एक्सपर्टीज़ फर्नीचर में होगा तो किसी का एक्सपर्टीज़ कंज्यूमर आइटम में होगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ। जब हम नेशनल से ऊपर जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे ईरान से भी हमारे यहाँ स्टॉल आया है, इस बार तुर्की से है, तुर्की का स्टॉल अभी तक पांचवी वर्षों ने नहीं देखा था, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश से है, तो कई कंट्रीज़ के स्टॉल हैं यहाँ पर। हर एक की अपनी विशेषता है, जब आप उसको घूमेंगे तब आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर तक हम लोगों का एक्सपो जब भी होता था वो 5 दिन का होता था, जिसमें जो स्टॉल वाले हैं वो प्लस हमारे कंज्यूमर दोनों की तरफ से हमें डिमांड आती थी कि भाई आप इसको लाइन टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग एक दिन देख करके जाते हैं फिर उनका मूड बनता है, फिर सेकंड डे आकर परचेजिंग करते हैं। तो हमने इस बार इसको 7 दिन का कर दिया। ये 26 सितंबर से शुरू होगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है, छुट्टी का दिन है, और ये 2 अक्टूबर तक जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ऑटो जोन में कोई नई गाड़ी भी लॉन्च होगी। हमें एक दो फोर व्हीलर वालों से बात हुई है, वो अपना लॉन्चिंग शायद कल 26 तारीख को करेंगे नया प्रोडक्ट का। आपको एक ही छत के नीचे मारुति से लेकर के BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, ये फोर व्हीलर से जितनी वेराइटीज़ हैं वो सारे हमारे पास में हैं। जब आप टू व्हीलर में जाएंगे तो जो शौकीन है बाइक के उनको यहाँ पर हार्ले डेविडसन, होंडा की जो बिग विंग बड़ी कार आती है, या बुलेट है, जितनी भी आपको महंगी गाड़ियां हैं वो सारी आपको एक छत के नीचे मिलेंगी। बैटरी वाली जितनी गाड़ियां हैं टू व्हीलर्स में वो आप यहां पर मिल जाए, तो आदमी एक जगह पे टेस्ट ड्राइव ले लेगा, उसको अलग अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फूड स्टॉल में हमने ऐसा किया है कि कोई भी फूड स्टॉल रिपीटेटिव नहीं है, मतलब अगर एक आइटम का एक स्टॉल है तो सेकेंड उस आइटम का दूसरा स्टॉल नहीं है। तो हमने मैक्सिमम वेराइटीज़ जो कैटर हो सकती है एक फूड कोर्ट के अंदर में, हमने वो इस बार लाया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी मेले के अंदर में हमने फूड स्टॉल के अंदर में फूड कोर्ट एक्सपीरियंस दिया है, मतलब इस बार आपको कार्ड सिस्टम है, जैसे हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं वहाँ से हम लोग कार्ड रिचार्ज कराते हैं फिर जाते हैं काउंटर पे, तो कैशलेस है पूरा और कोई चेंज वेंज का झंझट नहीं आएगा आपको। आप एक बार रिचार्ज कराइए, जिस भी आपको काउंटर पे जाकर के आपको खर्चा करना आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्नीचर के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड जोन है, आगे फेस्टिव सीजन है, अगर किसी को फर्नीचर वगैरह लेने का मन हो, सोफा लेना है, कुछ भी लेना अगर, तो हमारे पास प्योरली डेडिकेटेड फर्नीचर जोन है, जिसमें साथ में कारपेट के लिए अलग से बाहर से एक टीम आ रही है, उनके पास कारपेट की पूरी वैरायटी होगी। तो अगर आपको होम इंटीरियर लेना है तो आप इस मेले में आकर के उसको वो भी देख सकते हैं। तो एक्सपो में अगर आपको किचन का कोई आइटम लेना है, चिमनी लेनी है, कोई भी चीज़ लेना है, उसका एक अलग हैंगर ही है हमारा पूरा कॉरपोरेट हैंगर। कॉरपोरेट हैंगर में कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे एक्सपो में हम लोग कई तरह का इवेंट्स कराते हैं। इवेंट्स की पूरी एक लिस्ट है, 7 दिन में हम लोगों का करीब 7-8 है इवेंट्स उसके अंदर में होंगे, जिसमें चेस कॉम्पिटिशन होगा, फैशन शोज होंगे, डॉग शो होगा, हेल्दी बेबी शो होगा, ऐसे करके कई सारे इवेंट्स हैं जो आप डे वाइज हमारा वो बाइफर्केट किया हुआ है, हम आपको दे देंगे उसका पूरा डिटेल्स कि किस टाइम पर क्या है। और बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक पनगोला करके पार्क बनाया, जिसमें 8 या 9 तरह के झूले होंगे, अभी हम लोग स्पेस देख रहे हैं कि हम लोग कितना उसको बढ़ा सकते हैं, जिसमें 4 काफ़ी बड़े वाले हैं। तो जो बच्चों के साथ आएंगे उनको फनगोला है, हमने करीब करीब 30,000 बच्चों को
पासेस दिए हैं जिसमें एक आइसक्रीम फ्री है और एक राइड भी फ्री है झूले की। ये हमने रांची के जितने रिनाउंड स्कूल्स में हैं उसमें जा कर के दिए हैं, तो बच्चे जब यहाँ पर आएंगे उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसका मिलेगा। ये हमारे एक्सपो का टोटल जो समरी था मैंने आपको दिया है। अब आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछिए, मैं उसका 50 एक आपको बताया कि कार्ड जो होगा कार्ड के थ्रू कैशलेस होगा, तो मान लीजिए कार्ड का तो एक वैल्यू होगा ना कि 2000 1000। वो आपके ऊपर है सर, आप जब आएंगे कि हमको 200 का कार्ड दे दीजिए तो मैं आपको 200 का रिचार्ज करके कार्ड दूंगा, आप वापस कैश कैश रिफंड हो जाएगा, वो कैश रिफंड है। कैशलेस कहाँ सर? पेपरलेस है, पेपरलेस है सर। आप जैसे कहीं भी लेंगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। आप जैसे आप हमसे 500 का कार्ड मांग रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं, तो 500 रुपये आप मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और आपने 400 का खाना पीना खाया, मैं 100 रुपये फिर वापस ऑनलाइन आपको ट्रांसफर करूँगा। स्कैन करके स्कैनर भी लगा रहेगा, कैश देना कैश दो, स्कैनर से पेमेंट करना स्कैनर से, आपको चेंज का झंझट खत्म, चेंज एकदम झंझट। सर बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना तो कैश देंगे ना, वो कैश देंगे, वो कैश देंगे, हमको रिचार्ज करके। फैसिलिटी दोनों है, आप कैश देके कूपन ले लो, 500 का टोकन ले लो और खाना पीना खाओ, जो पैसा बचे वो कैश वापस हो जाएगा। ओरिजिनल हमारा टाइम जो था वो 11:30 बजे का था, पर मौसम जो है साथ नहीं दे रहा हमारा। जो करेंगे उनके बारे में भी अभी एक दो चीज़ों पे बात चल रही है, हमारा फाइनल नहीं हो पाया, अभी एक घंटे के अंदर हम लोग उसको, ये हमारा 4 बजे तक क्लियरेंस आ जाएगा इसका। नहीं, हमने चार्जेस कुछ भी नहीं बढ़ाया स्टॉल का, जो हमारे थे वही है, बट हमने इसमें करीब 30 से 35 स्टॉल इस बार बढ़ाने की कोशिश की कि मैं अपने स्टॉल बढ़ा लूँ। जो हमारे ये होती थी इवेंट्स होते थे हमारे, वो इवेंट्स को हमने बढ़ाया है इस बार। वो इवेंट हमारी जेसी रेड विंग करके है, जो हमारी महिला विंग है वो देखती हैं, तो उनको हमने पूरा इवेंट का डिटेल दिया हुआ है कि भाई ये इवेंट है, उनकी तरफ से आया था कि हमें ये कराना है ये कराना है, तो हमने उनको पूरा टाइम स्लॉट अलॉट किया हुआ है कि आपको जो जो कराने हैं, हमारा क्या सपोर्ट चाहिए हम आपको दे रहे हैं, और वो सारा इवेंट उनका हो रहा है। अब वो तो इवेंट में जो है उनके तरफ से है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उसकी प्लानिंग जो है वो बता पाएंगे। एक अभी आपने बताया कि स्कूल 30,000 फ्री पास चिल्ड्रेन के लिए, हाँ जी, तो वो भी 30,000 क्लासेस है बच्चों के लिए, तो 7 डेज अलाउड है या किसी पर्टिकुलर? नहीं नहीं, वो ऑल डेज अलाउड है, बट दैट इज वन टाइम एंट्री चार्ज, वो एक वन टाइम पास है, वो आएंगे कभी भी आ सकते हैं 7 दिन में, उसमें कोई नहीं है कि भाई ये पीक आवर है या ये सैटरडे या संडे, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, वो आप कभी भी आ सकते हैं। एंट्री फीस जैसा हम लोग का हर साल रहता है, बाकी जो मेला लोग का उससे हम लोग ऐड पा रही है, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। 20 रुपये 30 रुपीज़ है हमारा, 30 रुपये। मेले की टाइमिंग का 11 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक है सारे दिनों में। सैटरडे हमारा जो टाइमिंग होगा उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, हम लोग उसको नाइट मार्केट बोल करके, कि बहुत सारे लोग रात में ही आना चाहते हैं कि 8 बजे के बाद हम निकल पाएंगे, तो उस दिन हम लोग 11:30 बजे तक उसको स्ट्रेच करेंगे, तो हमारा सैटरडे सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा है। उसको मिडनाइट कार्निवल करके हम लोग नाम भी दिए सैटरडे।